ठीक है, थ्योरम नंबर 5 क्या दिया है यहाँ पे? इस 1/x² - a² इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अगेन ये हमारा 9th फॉर्मूले का ही क्या होगा, 5th फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो 5th फॉर्मूला कितना है, 1/√x² - a² dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x+√x² - a². ओके, चलो इसको अभी प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। कंसिडर करो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx। इसमें पुट करो x इज इक्वल टू sec थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू a sec थीटा इनटू tan थीटा d थीटा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से, r इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट में कितना आएगा, ये a स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx कितना होगा, a sec थीटा इनटू tan थीटा। ओके, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, डिनोमिनेटर से a कॉमन आएगा और ऊपर से a, तो क्या होगा, बाहर a लिखता हूँ और डिनो यहाँ रूट में से a स्क्वायर बाहर आया मतलब a आएगा। इस 1/कौन कितना हो गया यहाँ पे, ये इस 1/√ में आपके पास आ गया यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ बचा sec थीटा इनटू tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा आल्सो, ठीक है, d थीटा बोलना नहीं है। sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है आपका, tan स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, इसको बाहर का कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास यहाँ पे 1/√ में कितना है आपके पास यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इनटू, यहाँ पे आपके पास क्या है, sec थीटा इनटू योर tan ऑफ थीटा d थीटा, ठीक है, ये रूट कैंसिल, तो कितना हो गया आपके पास, ये tan थीटा इनटू योर sec ऑफ थीटा इनटू योर tan थीटा d थीटा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा आपके पास इंटीग्रेशन में क्या, यहाँ पे देखो sec थीटा इनटू d थीटा, sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है यहाँ पे, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब मेरे पास आंसर log ऑफ sec प्लस tan आ गया, लेकिन फॉर्मूले में मुझे प्रूफ क्या करना है, log ऑफ x इनटू अंडर रूट x² - a² प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करो, आपके पास यहां से देखो x इक्वल टू sec थीटा था, यहां से पहले क्या करते हैं, sec निकाल लेते हैं और साथ में tan भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं यहां से, कि x इज इक्वल टू लिख दे यहां पे, इसे i लिख दो सर, बट वी नो कि x इज इक्वल टू मेरे पास a इंटू सेक थीटा, तो x बाय ए इज इक्वल टू कितना हो गया, टैन थीटा होगा। चलो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब मुझे टैन थीटा चाहिए, सॉरी टैन नहीं, कितना हो गया ये सेक थीटा, कितना हो गया ये x बाय ए इज इक्वल टू कितना हो गया ये सेक थीटा। अब आपको टैन थीटा चाहिए, तो सेक थीटा से टैन थीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकालो सेक थीटा टैन थीटा, नेक्स्ट पेज पे देखो, मुझे पता है यहाँ पे कि 1+ कितना होता है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1+ योर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या आया था लास्ट पेज में, कितना आया था, सेक थीटा हमारा एक्स बाय ए आया था। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये यहाँ था ये एक्स बाय ए, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ गया, टैन स्क्वायर थीटा, वी कैन से टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए। क्लियर, टैन थीटा मिल गया मेरे पास, सेक थीटा मिल गया। अब सबका वैल्यू पुट करते, क्या था आपके पास लास्ट आंसर, कितना आया था देख लो, यहाँ से मेरे पास यहाँ पे आ गया था लॉग ऑफ सेक प्लस टैन, sec का आंसर ये है मेरे पास, ठीक है, एंड tan मेरे पास ये आ चुका है, दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक, मेरे साथ नोट करते रहना सब लोग, ठीक है। तो i इज इक्वल टू log के अंदर sec मतलब x बाय a प्लस tan मतलब अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस, ये हो गया आपके पास log ऑफ sec प्लस a इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस सी। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे log a माइनस बी का रूल लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज कंसिडर करो log
ए माइनस बी, तो ऊपर लॉग ए हो गया डिवाइड बाय लॉग बी, दिस इज लॉग ए प्लस सी। ओके, अब प्रूफ में तो क्या था, सिर्फ इतना ही आंसर था। देखो ये लॉग ए कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा टर्म को मैं कॉन्स्टेंट कंसिडर कर सकता हूँ, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। सी डैश लिखो या सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है, तो उसको ओवरऑल कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लो। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज आर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया एंड क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर टू, सॉरी इक्वेशन नंबर टू हो गया, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इक्वेशन नंबर वन एंड टू। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू एंड क्वेश्चन हमारा इक्वेशन नंबर वन, तो लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर फाइव। ठीक है, क्या चला हमारा थ्योरम नंबर फाइव प्रूफ, क्लियर, समझ में आया था क्या कर रहे हैं, एज अ इंटीग्रेशन के थ्योरम, सॉरी इंटीग्रेशन के सम्स जैसा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो वन बाय वन कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो।